लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, मगर सपा और कांग्रेस के आगे बीजेपी महज 33 सीटों पर ही सिमट गई। यूपी में हुए नुकसान का नतीजा ये रहा कि बीजेपी खुद के दम पर सरकार बनाने में भी विफल हो गई। हालांकि अपने सहयोगी दलों के सहयोग से सत्ता हासिल करने के बाद अब बीजेपी यूपी में चुनावी हार पर मंथन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में रविवार को बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व से लेकर यूपी बीजेपी संगठन के पदाधिकारी और खुद सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल हुए, जहां चुनावी नतीजों पर चर्चा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को भस्मासुर बताते हुए अखिलेश यादव को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी, जिस पर अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। पहले आप भूपेंद्र चौधरी का वो बयान सुनिए। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उसकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की जनता ज्यादा बार धारा 356 का इस्तेमाल करके विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने का काम, गिराने का काम, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस ने प्रदेश में अलग अलग दलों के साथ जाकर अपना स्वार्थ ठीक हो उन सभी पार्टी को रसदताल में पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आज दलित मंचों की पार्टी के झूठ बोलकर अन्य दलों के बोझ भरे ही उन्हें लेने का प्रयास किया, लेकिन कभी कांग्रेस ने दलितों का, कमजोर लोगों का भला नहीं किया। दरअसल भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस भस्मासुर है, वो कभी किसी भी पार्टी का भला नहीं करती है। भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी। इसी बयान पर अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। चुनावी हार से सबक लेते हुए बीजेपी उपचुनाव की तैयारी और राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोडमैप तैयार कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।